हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मैसेंजर में न्यू मैसेज नहीं आ रहा है, शो नहीं कर रहा है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप नाम का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ से आप मैसेंजर वाले ऐप को खोज लेना, नीचे आएंगे थोड़ा तो मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर है, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए चेक कर लेना है, मैनेज नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके देख लेना है। नोटिफिकेशन अगर बंद रहेगा तो इसे चालू कर देना है, फिर बैक आना है। अब आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ से सबसे पहले आपको देखिए क्लियर डाटा पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही आप इतना कर देते हैं फिर आपको बैक आना है। तो अब हम बैक आते हैं। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैसेंजर पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, टच करके रखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं और यहाँ से क्लियर डाटा भी कर सकते हैं। देखिए स्टोरेज का यहाँ पर भी ऑप्शन है। जैसे ही आप इतना कर लेते हैं होम स्क्रीन पर आना है। अब आपको प्ले स्टोर को ओपन करके यहाँ पर लिखना है मैसेंजर और चेक करना है कि अपडेट है कि नहीं है। अगर अपडेट नहीं रहेगा तो सबसे पहले आप यहाँ से इसे अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आपको बैक आना है और अपने मैसेंजर को ओपन करना है, लॉगिन हो जाना है। चलिए हम इतना कर लेते हैं और इसे ओपन करते हैं। देखिए मैंने लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर सब कुछ सही से चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सेंड करता हूँ, देखिए यहाँ पर वर्क कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, कोई भी मैसेज आएगा आपको पता चल जाएगा। तो गाइस आज के दिन बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।